हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। बट फिलहाल हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें कवर की है इन पार्ट्स, ठीक है, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे बहुत सारे। तो टिल नाउ हमारा लेक्चर 5 तक की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, तो आप देख सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी बहुत लोग तो सोचेंगे, भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये तो कुछ नया सुनने मिल रहा है। कुछ नया नहीं है, बस फर्क इतना है कि आप लोग पीरियड्स बोलते हो, मुझे पी आया, मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, ऐसे सब दुनिया भर के वर्ड्स यूज़ करते हो। बट उसका प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, मतलब जो प्रॉपर उसका जो नेम है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, ठीक है? अगर मैं किसी को पूछूं या फिर कोई मुझे पूछे कि तुम्हारे हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, तुम कैसे डिफाइन करोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में, राइट, फीमेल्स में देखने मिलता है, इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ही लड़की क्या अचीव कर लेती है, प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, और ये जो चेंजेस होते हैं, ये हर 28 और 30 डेज में क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है? हर 28 और 30 डेज में रिपीट होता है, इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज एक साइकिल की तरह ही कंटिन्यू होता है। सपोज अगर आज 1 नवंबर को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, तो नेक्स्ट हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलेगा, वो मिलेगा बाय नवंबर ऑफ 28 और बाय नवंबर ऑफ 26, ठीक है? तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ये साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है? सो डेफिनेशन को हम इजी वे में समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस, राइट? बट कब से होने लगते हैं? जैसे ही लड़की क्या अचीव कर लेती है, प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं कब से, जब से उसने प्यूबर्टी अचीव किया है। और ये साइकिल और या फिर ये चेंजेस, ये जो चेंजेस है, ये कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है 28 to 30 days, यानी कि या तो 2 दिन पहले या तो 2 दिन बाद, ठीक है? सो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन शॉर्ट डेफिनेशन यही बोलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस, ठीक है? जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट अंडरगो सम चेंजेस एट रिपीट इंटरवल ऑफ 28 to 30 days। और ये कब से शुरू होता है? जैसे ही प्यूबर्टी अचीव हो जाता है। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है, ठीक है, हमारे प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, ये सारे प्यूबर्टी के साइंस है, ठीक है? तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमेशा प्यूबर्टी अचीव करने के बाद ही, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला मैंने, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमेशा प्यूबर्टी अचीव करने के बाद ही शुरू होता है, ठीक है? हमेशा प्यूबर्टी अचीव करने के बाद ही ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमें देखने मिलेगा, ठीक है? सो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे और याद रखोगे तो, कि ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट द रिपीटेटिव चेंजेस ऑकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? ऑकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर एवरी 28 to 30 days। सो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? या तो 2 दिन पहले आएगा या तो 2 दिन बाद। अभी जो फीमेल्स, उनको बराबर से पता है कि कभी कभी उनको 2 दिन पहले आ जाता है पीरियड्स, या फिर कभी कभी 2 दिन बाद आता है, इसलिए हम 28 to 30 days का रेंज पकड़ते हैं, या तो +2 या फिर -2। -2 यानी कि अगर 28th पे आ गया, 2 दिन जल्दी आ गया आपको, और 30 यानी कि +2, 2 दिन आपको लेट आता है, ठीक है? सो वो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें हमें सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और अगर आपने वो समझ लिया तो फिर बाकी और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? तो अभी सिर्फ 4 हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? 4 हार्मोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि ये क्या करेंगे, ये मैसेज कैरी करेंगे, ठीक है? ये क्या करेंगे, मैसेज कैरी करेंगे कि हमारे बॉडी में कब कौन से चेंजेस होने चाहिए और कब हमारे बॉडी में साइकिल शुरू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो हार्मोन्स यानी कि क्या, हार्मोन्स यानी कि क्या, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है? अगर हार्मोन्स, किसी ने पूछा कि हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन्स को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है? केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है? सो हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ 4 ही हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। एक है FSH, दूसरा है LH, और थर्ड है एस्ट्रोजन, एंड फोर्थ है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? सो FSH, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा इसका नाम है वैसे ही उसका काम है, ठीक है? सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली करता क्या, हमें वो देखना है, ठीक है? अभी हम मान के चलते हैं, सपोज हम कैलेंडर मेथड पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब कैलेंडर की वजह से समझते हैं। सपोज ये मैंने कैलेंडर बना दिया,
ठीक है। तो आज है फर्स्ट ऑफ, अभी दिसंबर शुरू हो गया तो दिसंबर पकड़ दो, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट ऑफ दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेके फिफ्थ ऑफ दिसंबर तक, सपोज अगर फर्स्ट ऑफ दिसंबर को पीरियड्स आए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ दिसंबर को पीरियड्स आ गए, तो फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेके फिफ्थ ऑफ दिसंबर तक क्या रहेगा? ब्लीडिंग फेज रहेगा, राइट। सबको पता है कि अगर एक बार हमको पीरियड्स आता है तो ब्लीडिंग कब तक रहता है? मैक्सिमम पाँच, मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम बोल सकते हैं, किसी किसी में 7 डेज रहता है, किसी किसी में सिर्फ 3 डेज ही ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग रेंज पकड़ते हैं कि 5 दिन, कुछ नहीं बोल के कम से कम 5 दिन तक तो ब्लीडिंग रहता है, ठीक है। तो सपोज 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक हमारा ब्लीडिंग फेज रहता है, राइट, कि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से। तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर ब्लीडिंग फेज हो गया, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग फेज हो गया, उसके बाद अभी 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक, ठीक है, 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक क्या होता है वो देखना है। तो 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक क्या होता है, देखो ये जो ब्लीडिंग फेज है, सबको पता होगा कि जो ब्लीडिंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। जिनमें भी ब्लीडिंग हो रहा है, जिनमें भी हर महीने मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या कि उनका ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इसलिए वो ब्लीड कर रहे हैं, उनको वो पीरियड्स आ रहा है और वो ओवम क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लीडिंग फेज है, इसमें क्या होता है कि जितना भी ओवम है, ठीक है, जितना भी नहीं सॉरी आई मीन जो अनफर्टिलाइज ओवम है, मतलब ऐसा ओवम जो क्या हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो अनफर्टिलाइज ओवम प्लस बाकी भी बहुत सारा म्यूकस वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होता है, ब्लीडिंग से निकल जाता है, ठीक है। मतलब जो ब्लीडिंग होता है तब ये जो ओवम होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, सबको पता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो बट ऑब्वियसली बात है कि पीरियड्स नहीं आते, कब तक नहीं आएंगे, जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है। बट अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होता है, फिर ब्लीडिंग शुरू होता है, राइट। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या शुरू होगा, ब्लीडिंग शुरू होगा। तो अभी क्या हो गया है कि ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, पहले 1 दिसंबर को सपोज पीरियड्स आ गए, 5 दिसंबर तक ब्लीडिंग हो गया, पूरा अनफर्टिलाइज ओवम म्यूकस जो भी था हमारे बॉडी में, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड था प्रेगनेंसी के लिए, सब कुछ अभी बॉडी से डिस्कार्ड हो चुका है, सब कुछ क्या हो चुका है, बॉडी से डिस्कार्ड हो चुका है, ठीक है। बट अभी हमें नेक्स्ट मंथ भी पीरियड्स आने वाला है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो 5 दिसंबर से जो 14 दिसंबर का जो स्टेज है, इसमें क्या होता है, हमारा जो FSH होता है, ठीक है, अभी FSH का काम यहाँ पे आता है, हमारा जो FSH होता है, FSH यानी कि क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा कि यहाँ पे देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, हमारा ओवरी है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये क्या करेगा, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये क्या करेगा, ये जो ओवम है, ठीक है, ये सारे क्या है, इमैच्योर है, ये सारे क्या है, इमैच्योर है, ठीक है, ये क्या है, इमैच्योर, यानी कि ये अभी उतना मैच्योर नहीं है कि ये फर्टिलाइज खुद को कर सके। तो ये जो FSH है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे इसका नाम है वैसे उसका काम है, ठीक है, तो जैसे ही जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम है, मतलब क्या कि ये जो FSH है, ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये इनको फिर स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा कि भाई अभी तुम लोग को रेडी होना है फर्टिलाइजेशन के लिए, तुम लोग को क्या होना है, रेडी होना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये क्या करेगा, ये खुद को डेवलप करेगा, ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स, ये क्या करेंगे, खुद को डेवलप करेंगे। तो ऐसे ये खुद को डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे, और फिर एक एंड में एक फॉलिकल मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफाइन फॉलिकल। ये आपके टेक्स्टबुक में नाम नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फिर हमको मिलता है ग्राफाइन फॉलिकल। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको ओवम, ठीक है, ये जो ओवम है, इसको एक्चुअली ग्राफाइन फॉलिकल बोलते हैं, बट ओवम समझते हैं, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो एकदम मैच्योर ओवम होता है, ठीक है, एकदम मैच्योर ओवम, हाँ, ऐसा ओवम जो फर्टिलाइज हो सके, तो एकदम जो मैच्योर ओवम होता है उसका नाम हम रखते हैं ग्राफाइन फॉलिकल, ठीक है। तो जैसे ये ओवम रेडी हो जाता है, ये ओवम रेडी हो जाता है, तो FSH का काम खत्म हो गया, क्योंकि FSH का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, फॉलिकल्स को डेवलप करना, फॉलिकल्स को क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। तो FSH का काम यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। FSH क्या करेगा, जो इमैच्योर ओवम है उसको मैच्योर ओवम में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये ओवम्स मैच्योर हो रहे होते हैं, तो ये ओवम क्या करते हैं, ये ओवम क्या करता है, ये रिलीज कर देता है एस्ट्रोजन। ये क्या रिलीज कर देगा, एस्ट्रोजन। ये क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, जो कि हमारा थर्ड हार्मोन है, ठीक है। तो ओवम क्या करेगा, रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो अगर आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा यूट्रस, ये हमारा सर्विक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वजाइना, ओके। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओवरी है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो कि FSH ने क्या किया, FSH ने क्या किया, एक
मैच्योर ओवम बना दिया, क्या कर दिया, एक मैच्योर ओवम बना दिया, ठीक है। अब ये मैच्योर ओवम का काम है, ये मैच्योर ओवम का काम है एस्ट्रोजन बनाना। क्या बनाना? एस्ट्रोजन, यानी कि ये जो मैच्योर ओवम है ये एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम हमने दे दिया एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन का काम होता है यहाँ पे जो यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे जो यूट्रस है ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। ये जो हमारा यूट्रस है इसके बीच में एक लाइनिंग होती है, एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम है इसके लाइनिंग को थिक कर देगा। क्या कर देगा? थिक कर देगा, यानी कि क्या, सपोज ये जो लाइन है, ठीक है, ये है हार्डली 2 mm का, ठीक है, ये हार्डली कितने mm का है, ये हार्डली 2 mm का है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको 2 mm से 5 mm में कन्वर्ट कर देगा, इतना उसको थिक बना देगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का जो काम रहता है वो कुछ नहीं बट रहता है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्या रहेगा एस्ट्रोजन का काम? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। यानी कि ये क्या कर देगा, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइन है, ठीक है, यानी कि ये जो अंदर वाला लेयर है यूट्रस का जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, मेट्रियम यानी कि यूट्रस और एंडो मतलब अंदर। तो यूट्रस का जो अंदर वाला जो लाइनिंग है या फिर हम अंदर वाला जो मसल है ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है इसका काम क्या रहता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि वो एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, थिक कर देगा। अब वो थिक क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेज में इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। कैसे होता है, देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब कभी भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि क्या, ओवम को स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। तो आगे जाके जो ओवम है ना, जो ओवम है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होता है मतलब क्या, कि वो कहाँ पे जाके बस जाएगा, अपना घर बार वो कहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो वो अपना घर बार यहाँ पे बनाता है, यानी कि यूट्रस में बनाता है। तो वो क्या होता है, यूट्रस में भी कहाँ, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब क्या, वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर ऐसे घुसेगा 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 ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, जैसे हम कैसे दीवार पे खिल ठोकते हैं, ठीक है, हम कैसे दीवार पे खिल ठोकते 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 फिर वो खिल अंदर जाता है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी सेम होता है, अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, आई एम सेइंग अगर वो ओवम फर्टिलाइज हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम है, अगर ये समझो थिन है तो उसके पास ऑलरेडी कम जगह है, उसमें से वो ओम को कहाँ पे बिठाएगा ना, वहाँ पे। इसके लिए जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को क्या कर देता है, थिक कर देता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, थिक कर देगा। तो अब हम लोग को दो हार्मोन का काम तो समझ में आ गया कि FSH क्या करेगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा, ठीक है, FSH क्या करेगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा। तो हमें ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि FSH जो है ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और एक मैच्योर ओवम बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्राफाइन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो मैच्योर ओवम है ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और ये क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसके लाइनिंग को क्या कर देगा, थिक कर देगा, ठीक है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये कभी कभी चलता है, मतलब कब से लेके कब तक चलेगा, समझो 5th of December to 14th of December, ठीक है, 5th of December to 14th of December तक ये चीज़ चलेगा, क्योंकि 1st से लेके 5th December तक क्या था, ब्लीडिंग फेज था। तो उस टाइम पे वो छोड़ दो, हम समझेंगे, वो 1st to 5th December क्या था, ब्लीडिंग फेज था, लड़की क्या कर रही थी, ब्लीड कर रही थी, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा था। अब 5th December to 14th December ये चीज़ें जो है ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है, मतलब यहाँ पे FSH फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता रहता है एज वेल एज जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ साइमल्टेनियसली चलती है, ऐसे नहीं होता है कि जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ, बट ये साइमल्टेनियसली चलता है कि FSH यहाँ पे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते रहेगा, साथ ही साथ जो फॉलिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे और एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ चलती रहती है साइमल्टेनियसली साथ साथ, ठीक है। और ये हमको देखने मिलता है 5th December to 14th December, ठीक है। अभी समझो ओवरी हमारा अच्छे से डेवलप हो गया, मतलब ओवम जो है वो हमारा अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो अब क्या होता है कि ये जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं रफ करके बताती हूँ। अभी सपोज हमारा ओवम अच्छे से डेवलप हो चुका है, ठीक है ना, हमारा जो ओवम है वो रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो क्या है, रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ओवम हमारा रेडी हो चुका है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, जैसे ही हमारा ओवम हो चुका है रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है, ये जो तुमको दिख रहा है अंदर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इतना एक लाइन बनाती हूँ, ये जो अंदर दिख रहा है ये होता है हमारा ओवम, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, सी मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये जो रहता है अंदर ये हमारा रहता है एक्चुअल ओवम, ठीक है, ये रहता है हमारा एक्चुअल ओवम जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा, फर्टिलाइजेशन किस में लेगा, पार्ट लेगा। और ये जो बना है ये होता है कवरिंग्स, ठीक है, ये होते हैं कवरिंग्स।
तो अब क्या होता है, 5th से लेके 14 दिसंबर तक फॉलिकल्स डेवलप हो चुका है और हमारा एंडोमेट्रियम भी डेवलप हो चुका है, ठीक है, मतलब सब कुछ रेडी है, बस ओवम के आने का इंतजार है। तो अब क्या होगा, 14th ऑफ दिसंबर पे, मतलब 14th डे पे, ठीक है, 14th डे पे क्या होता है, एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है LH, एक हार्मोन आता है जिसका नाम क्या है, LH। तो हमारा LH क्या है, लूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, लूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ऐसे याद रखो कि लूटिनाइजिंग मतलब उसने लूट लिया, किसको लूट लिया, ओवम को लूट लिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसके जो कवरिंग्स है, ठीक है, ये जो लूटिनाइजिंग हार्मोन है, जैसे ये बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जैसे ये हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है 14th डे पे, तो ये क्या करेगा, इस ओवम को रिलीज कर देगा, ये क्या कर देगा, इस ओवम को रिलीज कर देगा, यानी कि ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये जो कवरिंग है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है, ये जो कवरिंग है ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी और ये जो ओवम है ये क्या हो जाएगा, हमारा आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, ये जो हमारा ओवम है ये क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझा, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ तो समझो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा ओवरी और ये हमारा यूट्रस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो मैच्योर फॉलिकल है वो डेवलप हो चुका है, LH हमारे बॉडी में आ चुका है, ठीक है, और इसका लेवल जो है वो एकदम इंक्रीज है, मतलब एकदम ज़्यादा ही बॉडी में इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, LH का लेवल हमारे बॉडी में आ चुका है। तो ये क्या करेगा, आजू बाजू जो भी कवरिंग था ओवम के, आजू बाजू जो भी कवरिंग था ओवम के, उन सबको गायब कर देगा, ठीक है, और फिर ये ओवम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ये ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ओवम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओवम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही फंक्शन है हमारे LH का, इतना ही फंक्शन है हमारे LH का। तो LH का ज़्यादा फंक्शन नहीं है, LH का बस इतना काम है कि वो क्या करेगा, जो ओवम है जो आज तक क्या था, कैद था इसके अंदर, उसको आज़ाद कराने का काम किसका है, LH का। और ये किस दिन होगा, आज़ादी का दिन हमेशा 14th डे होगा, 14th डे, ठीक है। मतलब अगर दिसंबर में देखें तो सपोज़ पीरियड्स 1st दिसंबर से 5th दिसंबर तक ब्लीडिंग फेज था, ठीक है, फिर 5th दिसंबर टू 14th दिसंबर तक हमने फॉलिकल्स डेवलप कर लिया, हमने एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप कर लिया, तो 14th ऑफ दिसंबर को ये चीज़ होने वाली है, ठीक है, 14th ऑफ दिसंबर को ये चीज़ होगी। अगर हम जनवरी का पकड़ेंगे तो सपोज़ किसी को पीरियड्स आ गया 6th डे पे, ठीक है, एग्जाम्पल देते, समझो हम जैन का मंथ पकड़ते हैं, किसी को पीरियड आया 6th को, ठीक है, 6th ऑफ जैन को पीरियड आया, तो 5 डेज काउंट करो, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11th डे तक तो उस लड़की को ब्लीडिंग होगा, ठीक है, 11th डे तक उसको ब्लीडिंग रहेगा, ठीक है। अब मोर हम लोग को 14 डेज काउंट करना है, ठीक है, तो लाइक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18th ऑफ जैन तक, ठीक है, 18th ऑफ जैन तक उसके बॉडी में क्या होगा, फॉलिकल्स डेवलप होंगे और साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका थिकनेस होगा, ठीक है। अब जैसे ही 18th डे होगा, अभी हम काउंट करते हैं 16 से लेके 18th डे तक कितने डेज हो रहे हैं, ठीक है, तो देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऑलमोस्ट 12 डेज हो रहे हैं, तो हम लोग और 2 डे ऐड कर लेते हैं, हम लोग 20th डे पकड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब 20th ऑफ जैन। तो इस लड़की में, मतलब जिस लड़की में समझो पीरियड 6th को आया था, 11th तक उसको ब्लीडिंग हो गया, तो 20th ऑफ जैन तक उसके बॉडी में ये सारे चेंजेस होंगे, मतलब फॉलिकल्स डेवलप होगा, साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसका थिकनेस बढ़ेगा, ठीक है। बट जैसे ही 14th डे हो जाएगा, कौन सा डे मैंने बोला, जैसे ही हमारा 14th डे होगा, ठीक है, 14th डे होगा, तो बॉडी में क्या रिलीज हो जाएगा, LH रिलीज होगा, और ये LH क्या करेगा, इस ओवम को जो अभी तक बंधा हुआ था उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, रिलीज कर देगा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा LH का काम हो गया, ठीक है। तो हमने इतने हार्मोन्स देख लिए, FSH क्या करता है, LH क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, अब बारी आती है प्रोजेस्टेरोन की। तो अब हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, बेचारा उसका तो रोल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये अलग हो गया और ओवम हमारा फर्टिलाइज हो गया। तो अब ये जो कवरिंग है ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये जो कवरिंग है हमारा, जिसने ओवम को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा था, ठीक है, अपने पिंजरे में बंद करके रखा था, तो ये जो कवरिंग है, ठीक है, हम इसकी बात करें, ये कवरिंग गाइस, ठीक है, ये कवरिंग, तो ये जो कवरिंग है ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है कार्पस लूटियम, किस में कन्वर्ट कर लेगा, कार्पस लूटियम में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, कार्पस लूटियम में, ठीक है। अब ये जो कार्पस लूटियम है इसका काम रहता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, क्या रिलीज करना, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना। यानी कि अभी यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ध्यान से समझो गाइस, अगर तुम लोगों को ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। देखो सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि जिस लड़की को भी पीरियड्स आया, ठीक है, वो कोई भी डे हो, कोई भी डे हो, ठीक है, सपोज वो 7th को आने दो, 8th को आने दो, 9th को आने दो, कोई भी डे पे पीरियड्स आने दो, ठीक है,
पाँच दिन तो कम से कम ब्लीडिंग होगा, किसी से 7 डेज रहता है, डिपेंड करता है, इसलिए प्लस टू माइनस टू रहता है, ठीक है। 5 डेज तो कहीं नहीं गए, 5 डेज तो ब्लीडिंग होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 डेज तक ब्लीडिंग हो गया, अब 6 को उसके पीरियड्स आए, ठीक है। 6 को अगर उसके पीरियड्स आए तो उसका जो ओव्यूलेशन डे है, ठीक है, यानी कि ये जो ओवम जो बाहर आ चुका है, ठीक है, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन का डेट फिक्स रहता है कि ये जो ओव्यूलेशन है ये कब होगा, 14th डे पे ही होगा, ठीक है। तो अगर हम 6 से 20th काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 डेज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो लड़की, ठीक है, जिसके मतलब जिसको पीरियड्स कब आया, 6 को आया, ठीक है, तो उसके अंदर ओव्यूलेशन यानी कि ओवम बाहर आएगा कब, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कब आएगा, 20th ऑफ जनवरी यानी कि 14th डे पे आएगा, कब आएगा, 14th डे पे आएगा, ठीक है, 14th डे पे आएगा, ठीक है। अब ओवम तो आ चुका है, ठीक है, मतलब हमारा ओवम जो है वो फुल्ली रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, बट ये अकेले फर्टिलाइज होगा क्या, नहीं, ये अकेले फर्टिलाइज नहीं होगा, इसको क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, राइट। मैंने जैसे बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक होता है स्पर्म और एक होता है हमारा ओवम। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो अगर ओवम अकेला है बॉडी में, ठीक है, ओवम अकेला है, स्पर्म आ नहीं रहा है, स्पर्म ने एंटर ही नहीं किया, ठीक है, यानी कि क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ सेक्स वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो स्पर्म बॉडी में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, सपोज अभी हम देखते हैं यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है, अभी हम देखेंगे, सपोज ओवम फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, ओवम हमारा फर्टिलाइज हो गया और ओवम हमारा बेचारा फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि हमारा ओवम क्या रह गया, अनफर्टिलाइज रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर समझो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म आ गया तो ओवम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और स्पर्म नहीं आया तो ओवम क्या रह जाएगा, हमारा बेचारा अकेला जो कि अनफर्टिलाइज। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो बट ऑब्वियसली बात है कि क्या हो चुका है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का टाइम आ गया, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो जब कभी भी ओवम फर्टिलाइज होता है तो ये जो मैंने बोला कि ये जो कवरिंग है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पस लूटियम। तो ये जो कार्पस लूटियम है ये क्या करेगा, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये पूरे 9 मंथ्स तक या फिर जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू तब तक ये बॉडी में रहेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू तब तक ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हमारे बॉडी में रहेंगे, ठीक है। तो अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो ही जाके ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या होगा, अपने बॉडी में रहेगा, मेंटेन रहेगा, और प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। अब वो डिपेंड करता है, किसी को 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है तो किसी के 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, ये हमने एक केस पकड़ो, समझो कि ये ए वाला केस है और ये बी वाला केस है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया कि अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन रिलीज करेगा, कार्पस लूटियम। और अगर किसी ने पूछा कि कार्पस लूटियम क्या है, तो हमको याद रखना है कि ये जो कवरिंग था ओवम के आजू बाजू वो खुद को कार्पस लूटियम में बना लेगा, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, सपोज अब ये बी केस लेते हैं, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं जिसमें क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, सेक्स नाम का चीज़ कभी आया ही नहीं दिमाग में, ना ही कभी सेक्स हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ओवम अनफर्टिलाइज रह जाएगा, यानी कि क्या, ओवम हमारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, ओवम हमारा अनफर्टिलाइज है, तो पहले तो क्या होगा, पहले तो समझो जो कार्पस रूटीन है इसका काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन बनाना, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि फर्टिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है, वो प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। ये मैं रफ करती हूँ, रुको, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन तो बनाएगा, ठीक है, बट क्या हो रहा है, इसने समझो ये जो कार्पस लूटियम में इसने इंतजार किया कि आज ओवम फर्टिलाइज होगा, कल ओवम फर्टिलाइज होगा, आज नहीं तो कल ऐसे फर्टिलाइज होगा, तो ये क्या करेगा, इंतजार, ये क्या करेगा, इंतजार। और ये कब तक इंतजार करेगा, 28th डे तक, कब तक इंतजार करेगा, 28th डे तक, ठीक है। अगर फिर भी ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, इसने अपना इंतज़ार किया कि आज नहीं तो कल क्या होगा कि ओवम फर्टिलाइज होगा, ठीक है, आज नहीं तो कल क्या होगा, ओवम फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो ये कब तक इंतज़ार करेगा, 28th डे तक, ठीक है। हम स्पर्म का इंतज़ार कब तक करेंगे, 28th डे तक, ऐसा मान के चलते हैं, जबकि ओवम फर्टिलाइज कितने घंटे में होना चाहिए, तो सबको पता है 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, नहीं तो उसका तो ओवम फर्टिलाइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कार्पस लूटियम क्या करेगा, इंतज़ार करेगा 28th डे तक, ठीक है, 28th डे तक इंतज़ार करेगा, और अगर फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन जो था बॉडी में ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लेवल इसका कम हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। यानी कि
अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो कार्पस रूटम ने क्या किया, उसने प्रोजेस्टेरोन तो बना दिया ये सोच के कि चलो ओवम आज नहीं तो कल तो फर्टिलाइज होगा, उसने तो प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम किया। बट हम लोग ने इंतज़ार किया और 28th डे तक इंतज़ार किया, ठीक है, बट ये जो हमारा ओवम है बेचारा फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो बट ऑब्वियसली बात है प्रोजेस्टेरोन ने क्या कर दिया, होप छोड़ दिया और ये बोला कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, बस हो गया, मुझसे और सहन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा और गायब हो जाएगा, यानी कि क्या पूरा का पूरा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो बॉडी में इंक्रीज हुआ था ये क्या हो जाएगा, ना के बराबर और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, ठीक है, अभी मैं रफ करती हूँ, तो जैसे ही हमारा क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो इसके तुरंत बाद हमें क्या शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग, यानी कि क्या होगा, फिर से लड़की में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंसेस, फिर से लड़की में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंसेस, ठीक है, यानी कि क्या शुरुआत हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग फेज की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके लिए बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है कि ओवम फर्टिलाइज हो रहा है या ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा जो फोर्थ स्टेज था, यानी कि 14th डिसंबर का जो स्टेज था, 14th डे का जो डिसंबर था, इसके बाद दो साइकिल हम कंसिडर कर सकते हैं, दो केस कंसिडर कर सकते हैं कि या तो ओवम फर्टिलाइज होगा या तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ब्लीडिंग शुरुआत होगी, लेकिन कब होगी, 28th डे पे शुरू होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवम आज फर्टिलाइज नहीं हुआ और तुमको कल ब्लीडिंग शुरू होगी और तुम्हें पीरियड्स आ गए, नहीं, 28th डे पे ही ब्लीडिंग शुरू होगी, ठीक है। और अगर वही ओवम फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि क्या ये साइकिल कंटिन्यू होती है। और ये साइकिल कब कंटिन्यू होगी, ये साइकिल कब कंटिन्यू नहीं होगी, अगर किसी ने पूछा तो ये साइकिल तब कंटिन्यू नहीं होगी जब तुम्हें प्रेगनेंस, मतलब जब तुम प्रेग्नेंट हो चुके हो या फिर तुम्हारा ओवम क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। तो इसके हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई होप सो आप लोगों को समझा रहेगा कि ये FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में किस तरह फंक्शन करता है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा इंशॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है। अभी नाउ आई हैव वन क्वेश्चन टू यू ऑल, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं ऐसे मतलब जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सपोज मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर एक लेडी है, ठीक है, अगर एक लेडी है, सपोज अगर एक लेडी है, ठीक है, और उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, एक लेडी है उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, यानी कि सेक्स हो चुका है, ठीक है, एक लेडी है जिसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, तो ऐसा कौन सा फेज है, ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, देखो ऐसा कौन सा फेज है, एक से लेके 5 तारीख तक, या 5 से लेके 14 तारीख तक, या 14 से लेके 28th डे तक, ऐसा कौन सा फेज है जब अगर उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है, मतलब 80% तो चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरे को आप लोग से आंसर चाहिए एंड आई वॉन्ट कि यू ऑल शुड कमेंट, ठीक है, अगर कमेंट्स नहीं आते मैं सामने से कमेंट कर दूंगी कि आंसर क्या था, ठीक है। तो इस पर सोचना कि ऐसा कौन सा फेज है कि अगर उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो बहुत ही कम चांस है कि वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये आप लोगों को सोचना है, ठीक है। अगर आपने वो कमेंट किया आंसर में तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या और कैसे होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। कुछ भी डाउट्स होगा यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय पर्सनल मैसेज। ऑल्सो देर इज एन इंस्टाग्राम आईडी ऑफ माइन विच यू वॉन्ट टू फॉलो, यू कैन फॉलो, ठीक है। एक इंस्टाग्राम आईडी है हमारा जिसका नाम है फ्रेंड्स एकेडमी 21, ठीक है, इस पर आप फॉलो कर सकते हो, उस पर भी अगर आप चाहिए तो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।